हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया अरुणदेकर, आपका प्रयाज फूड क्राफ्ट पे स्वागत है। फर्स्ट बर्थडे का नंबर वन केक स्क्वायर टिन में पहले स्पंज बनाकर किस तरह शेप दिया आज इस वीडियो में आप देखेंगे, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। स्क्वायर टिन में चॉकलेट फ्लेवर का स्पंज केक बेक करके लिया है। स्पंज ठंडा होने तक बना लेते हैं व्हिपिंग क्रीम। उसके लिए मैंने एक कप ट्रूफ्लाइट की क्रीम ली है और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक बोल में बर्फ इकट्ठा करके रखा है। उसके अंदर क्रीम का बोल रख के पहले लो टू मीडियम स्पीड पे क्रीम को व्हिप करना है इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप यहाँ देख सकते हैं क्रीम थोड़ी गाढ़ी होने के बाद स्पीड को हाई करना है और फिर से 5 मिनट के लिए क्रीम को फेंटना है। 5 मिनट के बाद आप यहाँ देख सकते हैं क्रीम के अंदर पिक्स आना शुरू हो जाए तब ये क्रीम तैयार है आइसिंग के लिए। चॉकलेट स्पंज अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद नाइफ की सहायता से इस तरह से टिन से अलग करके एक ट्रे या प्लेट पे टिन को पलट लेना है और केक को टिन से निकाल लेना है। केक के बॉटम में अगर बटर पेपर है तो उसको याद से निकाल कर केक को कट करेंगे 2 लेयर्स में। इस चॉकलेट स्पंज के इंग्रेडिएंट्स मेजरमेंट के साथ और बेकिंग टाइम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक करिए। चॉकलेट स्पंज केक के अंदर का टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ही स्पंजी है। फर्स्ट लेयर के ऊपर पानी या शुगर सिरप से अच्छी तरह से मॉइस करके लेना है। उसके बाद लेयर के ऊपर क्रीम को स्प्रेड करना है। क्रीम की लेयर अपने पसंद से कम और ज़्यादा आप लगा सकते हैं। क्रीम की लेयर के ऊपर चॉकलेट गनाश को स्प्रेड करके लेना है। गनाश को घर में बनाने के लिए आपको 60 ग्राम डार्क कम्फर्ट चॉकलेट और 1/4 कप क्रीम एक साथ डबल बॉयलर में मेल्ट करके थोड़ा ठंडा करने के बाद इस तरह से क्रीम के ऊपर गनाश डालकर स्प्रेड करके लेना है। उसके बाद उसके ऊपर दूसरा लेयर रख देना है और पानी या शुगर सिरप से अच्छी तरह से मॉइस करके लेना है। सेकेंड लेयर को अच्छी तरह से मॉइस करने के बाद उसके ऊपर क्रीम को स्प्रेड करके लेना है। ये केक का टॉप है, उसके ऊपर क्रीम स्प्रेड करने के बाद केक के साइड में भी क्रीम लगा कर लेनी है और क्रम कोटिंग जैसे करके लेना है। स्क्वायर केक 15x15 का है तो मैंने स्केल से मार्क किया है। देखिए आप, 5 इंच के बाद मैंने 2 जगह पे मार्क करके लिया है। उसके बाद नाइफ की सहायता से इक्वल ऐसे 3 पीस किए हैं रेक्टेंगल शेप के, आप यहाँ देख सकते हैं। केक बोर्ड पे एक तरफ ऐसे क्रीम लगा कर लेना है और फिर जो एक पीस है रेक्टेंगल पीस उठाकर वहाँ ऐसे हॉरिजेंटली रख देना है, जिस तरह मैं रख रही हूँ, और बराबर सेंटर में रखना है। केक बोर्ड पे एक साइड पे एक पीस रखा है, उसके एक तरफ जगह है, उसके सेंटर में ऐसे क्रीम लगा कर लेनी है और फिर उसके ऊपर जो रेक्टेंगल शेप का दूसरा पीस है उसको उठाकर रख देना है। वर्टिकल पीस रखने के बाद उसके ऊपर जो जगह है वहाँ थोड़ी क्रीम लगा कर लेना है। उसके ऊपर तीसरा पीस हॉरिजेंटली रख देना है, जिस तरह मैं वीडियो में रख रही हूँ उसी तरह। थोड़ा आगे रख दिया है, उसी पीस के ऊपर आप वीडियो में देखें इस तरह से टूथपिक से मार्क करने के बाद नाइफ से कट करके लेना है और जो एक्सेस स्पंज है उसको साइड में रख देना है। इस तरह स्क्वायर स्पंज को कट करके नंबर 1 का शेप देने के बाद उसके ऊपर क्रीम लगा कर लेते हैं और क्रम्बल कोटिंग कर लेते हैं। क्रम्बल कोटिंग करने से पूरे क्रम्स अच्छी तरह से
क्रीम में सेट हो जाते हैं और फाइनल कोटिंग करते वक्त प्रॉब्लम नहीं आती। क्रम्बल कोटिंग करने के बाद केक बोर्ड पे जितने क्रम्स और क्रीम लगी हुई है उसको क्लीन करके केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। पाइपिंग बैग में क्रीम भर के लिए हुए और पाइपिंग बैग की सहायता से इस तरह से क्रीम को क्रम्बल कोटिंग होने के बाद केक के ऊपर लगा कर लेते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से आप पहले क्रीम लगा कर फिर फाइनल फिनिशिंग करने के लिए आसानी हो जाएगी। और ये कस्टमाइज केक है तो इसके ऊपर क्रीम को लगाते वक्त इस तरह लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप फिनिशिंग कर सकते हैं। राउंड शेप का केक हो तो पैलेट नाइफ की सहायता से साइड में क्रीम लगाकर फिनिशिंग दे सकते हैं, लेकिन इस तरह का केक हो तो ये सबसे आसान तरीका है। पैलेट नाइफ की सहायता से केक के टॉप पे जितनी क्रीम लगी हुई है उसको स्प्रेड करके लेते हैं। सभी जगह पे इक्वली स्प्रेड करने के बाद केक के साइड में भी जो क्रीम लगा कर ली है उसको स्प्रेड करके लेते हैं। केक की फिनिशिंग करते वक्त पैलेट नाइफ के ऊपर अगर एक्सेस क्रीम आ जाती है तो उसको साइड में निकाल कर केक की फिनिशिंग कर देना है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक पतला सा कॉम्ब स्क्रैपर लेकर केक के टॉप पर इस तरह से टेक्सचर दे रही हूँ। केक के टॉप पर टेक्सचर देने के बाद दूसरा स्क्रैपर या सेम स्क्रैपर लेकर उसके प्लेन साइड से केक के टॉप के एजेस पे जो एक्सेस क्रीम है उसको हल्के हाथ से आप वीडियो में देखें इस तरह से निकाल कर साइड में रख देना है और केक के जो एजेस है उसको अच्छी तरह से क्लियर करना है। आप देखिए वीडियो में। उसके बाद केक के साइड में कॉम्ब स्क्रैपर से लाइंस का टेक्सचर देना है। कॉम्ब स्क्रैपर को हल्के हाथ से घुमाना है, नहीं तो कहीं जगह पे वो क्रीम को डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए आप देखिए वीडियो में मैं किस तरह कर रही हूँ। उसके बाद स्प्रिंकल लेकर केक के साइड में लगा देने हैं और केक के बॉटम में भी इस तरह स्प्रिंकल को लगाना है। आप वीडियो में देखिए। मल्टी कलर वर्मिसिली स्प्रिंकल आपको ऑनलाइन या रॉ मटेरियल केक शॉप में मिल जाएंगे। साइड में स्प्रिंकल करने के बाद केक के टॉप पर भी सभी जगह मल्टी कलर वर्मिसिली को स्प्रेड कर देना है या स्प्रिंकल कर देना है। केक के साइड और केक के टॉप पर वर्मिसिली स्प्रिंकल करते वक्त केक बोर्ड पे जितनी वर्मिसिली गिरी हुई है उन सभी वर्मिसिली को केक के बॉटम में ऐसे लगा देते हैं। उससे आपको केक के बॉटम में क्रीम से कोई ऐसे बॉर्डर नहीं निकालनी है। आप देखिए पाइपिंग बैग को स्टार नोजल लगा दिया है और उसके अंदर रेड कलर की क्रीम भरी हुई है, उसके सहायता से केक के टॉप के एज पे ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स निकाल देने हैं। डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट करके एनिमल का जो सिलिकॉन मोल्ड है साइड में आप उसको देख सकते हैं मोल्ड को, उसमें मैंने चॉकलेट को भरने के बाद फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए। फ्रीज़र में आप 5 मिनट रख सकते हैं और फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद एक एक एनिमल को डीमोल्ड करना है। डार्क कंपाउंड चॉकलेट का डक, टेडी बेयर और रैबिट तैयार होने के बाद एक एक करके केक के टॉप पर लगा देते हैं। आप देखिए वीडियो में मैंने लगा दिए हैं। अब ये नंबर 1 का केक तैयार है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ ये नंबर 1 का बर्थडे केक मैंने एक ही घर में 2 कज़न सिस्टर के लिए बनाया है। दोनों में कुछ महीनों का फ़र्क है तो मैंने सोचा इस तरह दोनों को नंबर 1 का केक बना कर दूँ। केक के टॉप पे एक पे रेड और दूसरे पे वॉलेट है, वो दोनों कलर दोनों लड़की के बर्थडे के ड्रेस के हैं। फ्रेंड्स आपको केक में नया डिज़ाइन सीखना है या देखना है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
फिर मिलेंगे, बाय।